हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 19.12 के क्वेश्चन नंबर 33 से आगे की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 33 नंबर है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इसके फॉर्म में हो तो आपको लेट करना है, लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, ठीक है। ऐसे करके लेट करने का फॉर्मूला, मतलब ये आपको बताया गया है। ऐसा प्रोसेस जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसा प्रोसेस अपनाकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा लेट एक्स प्लस टू बराबर ए इंटू डी सी ऑफ फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आगे चलते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस टू इक्वल टू ए इंटू, ये देखिए फोर एक्स का डिफ्रेंसिएशन फोर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस बी हो गया। अब इसको इक्वेशन फ्रेंड्स टू मान लेते हैं। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा हम लोगों का एक्स प्लस टू इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा फोर ए माइनस, ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए अगर आगे की तरफ चलते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस टू ए एक्स प्लस फोर ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं, माइनस टू ए एक्स को पहले लिखे हैं। क्यों लिखे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमको कंपेयर करना है एक्स का जो पावर है उससे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स के समान घात के गुणांकों को बराबर करने पर। तो देखिए यहाँ एक्स है तो इसमें भी एक्स है, तो अब देखिए इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, इसका कोफिशियंट माइनस टू ए है, तो वन बराबर माइनस टू ए हो जाएगा। इसलिए ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू आ जाएगा ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए फोर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व, फोर ए प्लस बी इक्वल टू टू हो गया। अब देखिए इसने यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए हो जाएगा फोर, ए का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू है, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं माइनस वन बाई टू, तो हो गया माइनस वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू टू, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और आगे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ टू से कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो देखिए हो जाएगा माइनस टू प्लस बी बराबर टू, तो आ जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए b बराबर, ये देखिए टू, ये माइनस टू इक्वल उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू आ गया फोर और a का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स चलेंगे अब हम लोग समीकरण वन से, तो चलिए चलते हैं समीकरण वन से। तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण वन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू, देखिए यहाँ मान है इक्वेशन टू ए इंटू फोर माइनस टू एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू फोर माइनस टू एक्स प्लस बी बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ए और बी का वैल्यू पुट कर दे तो ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो रख देते हैं, तो देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई टू इंटू फोर माइनस टू एक्स प्लस बी का वैल्यू फ्रेंड्स फोर है तो रख देते हैं फोर बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से इस वाले पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे और इस वाले पार्ट्स में भी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ माइनस वन बाई टू जो है कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ फोर माइनस टू एक्स बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब और आगे हम लोग चलते हैं कि आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला जो पार्ट से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, यहाँ करते क्या है कि यहाँ से कुछ पार्ट्स को ये वाले पार्ट्स को ये कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स आप नोट करते होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करें तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फोर माइनस टू एक्स बटा अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर का लिया इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट। देखिए फ्रेंड्स इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन हुआ तो एक्स स्क्वायर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स हो गया और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको बताया था फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बट्टा एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है लॉग मॉड एफ एक्स, ठीक है ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ का अगर हम लोग का एफ एक्स अगर हम मान लें एफ एक्स को मान लें फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फोर माइनस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ रूट में है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है क्योंकि यहाँ बटा में रूट में एफ एक्स है तो देखिए यहाँ केवल एफ एक्स रहेगा तब लॉग मॉड एफ एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम करते क्या है, यहाँ से अगर हम वाई बराबर मान ले तो देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का लेट वाई बराबर अगर मान ले फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स का डिफरेंशिएशन फोर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, इसलिए डी वाई का वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगा फोर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसको इक्वेशन थ्री मान लेते हैं, ठीक है तो चलिए समीकरण थ्री से चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण थ्री में वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इसका वैल्यू क्या है डी वाई, तो डी वाई बटा ये हो गया रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं वाई तो रूट वाई हो गया और ये हो गया प्लस फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा माइनस कॉमन है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको अब हम फैक्टर करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स इधर के पार्ट्स को इरेज कर देते हैं उसके बाद हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस टू ए के जगह पे एक्स हो गया बी के जगह पे अपने से रखेंगे कि फोर एक्स आ जाए तो टू रख देंगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये रूट में है, ठीक है तो चलिए इसको हम लोग रूट के अंदर कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया रूट के अंदर, ठीक है ये हो गया रूट के अंदर इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू आपको बताया गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट वाई इंटू डी वाई इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टू रूट वाई, तो यहाँ पुट कर देते हैं टू रूट वाई टू से टू कैंसिल हो गया प्लस ये हो गया फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस तो कॉमन है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ठीक है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस टू का होल स्क्वायर, ये तो है ये, ठीक है तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ माइनस से अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट वाई प्लस ये हो जाएगा फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाद में चला जाएगा, ठीक है और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स चलते हैं और आगे की तरफ तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं उसके बाद आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो देखिए हो जाएगा हम लोग का अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ माइनस रूट वाई है ना तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर दे तो माइनस रूट वाई का वैल्यू फ्रेंड्स देखिए यहाँ पुट करना है वाई तो वाई का वैल्यू है फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ रख देते हैं फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको दिखाना था वाई का वैल्यू बस। अब देखिए प्लस ये हो गया देखिए फोर अब देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है डी एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स फोर इंटू है तो फोर तो रख लिख लिया अभी देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स क्या पे एक्स माइनस टू है बट्टा में ए टू आ जाएगा यानी कि एक्स माइनस टू बट्टा टू और ये हो गया प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
34 के तरफ। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर में यहाँ माइनस नहीं दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 34 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बटा अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इक्वेशन वन मानते हैं और यहाँ से लेट कहेंगे लेट एक्स प्लस वन बराबर ए इंटू डी सी ऑफ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा x प्लस वन बराबर ए इंटू, यहाँ डी सी करेंगे यानी कि इसका जो डिफरेंशियल कॉफिशेंट निकालना है, तो यानी डिफरेंशियल कॉफिशेंट यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कॉफिशेंट आ जाएगा हम लोग का, 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और ये प्लस बी हो गया। इसको इक्वेशन हम 2 मान लीजिए, ठीक है। और इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हुए हम चलते हैं और ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए x प्लस वन बराबर आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 2 टू जा 4x, 4ax प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे और आगे चलते हैं तो हो जाएगा x प्लस वन बराबर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस बी, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स यानी कि एक्स के समान घात के गुणांकों को बराबर करने पर। तो फ्रेंड्स जब बराबर करेंगे तो देखिए क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए माइनस फोर है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट वन है यानी कि वन बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स, वन बराबर आ जाएगा माइनस फोर ए, इसलिए ए का वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा माइनस वन बट्टा फोर आ जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू माइनस वन बट्टा फोर आ गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, इसलिए हम लोग का ए का वैल्यू थोड़ा सा गलत आ रहा है। देखिए यहाँ ए से जब मल्टीप्लाई करें तो टू ए हो जाएगा और ये माइनस टू टू ए एक्स होगा, हम लोग फोर ए एक्स लिख दें, ठीक है, तो टू ए एक्स हो गया। अब यहाँ हो जाएगा टू ए एक्स माइनस टू एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा वन बराबर माइनस टू ए, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से टू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो टू ए प्लस बी बराबर वन। अब ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, टू इंटू ए का वैल्यू माइनस वन बट्टा टू आया हुआ है, तो रख देते हैं माइनस वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू वन हो गया। देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो देखिए आ जाएगा माइनस वन प्लस बी इक्वल टू वन, इसलिए बी का वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगा वन, ये माइनस वन है इक्वल के धर जाएगा तो प्लस वन यानी कि टू आ गया, बी का वैल्यू टू और ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू। अब चलते हैं फ्रेंड्स समीकरण वन से, तो चलिए यहाँ चलते हैं देखते हैं कि समीकरण वन से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण वन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बट अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स प्लस वन का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए इक्वेशन टू जो है यहाँ आया हुआ है एक्स प्लस वन का वैल्यू, चलिए नोट कर देते हैं ए इंटू टू माइनस टू एक्स प्लस बी बट अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए का वैल्यू अगर पुट कर दें, ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस टू एक्स प्लस बी का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है टू है, तो टू हो गया बटा अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से इस वाले पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी, तो देखिए हो जाएगा माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू माइनस टू एक्स बटा अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से देखिए हम लेट करते हैं लेट वाई बराबर फ्रेंड्स क्या मानते हैं टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, इसलिए डी वाई का वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा टू माइनस टू एक्स और ये बट्टा में डी एक्स है यहाँ पे, तो ये आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि डी एक्स यानी कि डी वाई का वैल्यू आ गया टू माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब चलिए फ्रेंड्स इसको इक्वेशन थ्री कर लेते हैं,
अब चलेंगे समीकरण थ्री से, तो चलिए यहाँ के कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण थ्री से चलते हैं, तो समीकरण थ्री से डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का माइनस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ टू माइनस टू एक्स, यहाँ डी एक्स छूट गया है, ठीक है। अब देखिए होगा टू माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या है डी वाई है, तो रख देते हैं डी वाई बटा, ये देखिए रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या माने वाई माने, तो रूट वाई हो गया। अब देखिए प्लस ये हो गया टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा, यहाँ से करते क्या है फ्रेंड्स, इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे आपको बताया गया है माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई बाई रूट टू का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स टू रूट वाई, तो टू रूट वाई हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस, देखिए इसको फॉर्मूला पे लाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस पार्ट्स को इधर इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा, अब इसको फॉर्मूला पे लाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए के जगह पे एक्स, बी के जगह पे वन ही होगा, तब ना टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वन हो गया प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि वन का स्क्वायर, और यही माइनस कर देंगे माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया फ्रेंड्स इंटू डी एक्स। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो देखिए हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस रूट वाई प्लस, ये हो गया टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वन है, यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का जो स्क्वायर है वो तो है ही है, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वाई का वैल्यू पुट कर दे, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का माइनस रूट वाई का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख देते हैं टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा, अब चलिए यहाँ के पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला मालूम है इंटू डी एक्स, आपको फॉर्मूला मालूम है कि डी एक्स बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए हो जाएगा माइनस अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के पे क्या एक्स माइनस वन बटा ए, ए के जगह पे वन है, और ये हो गया प्लस सी, ठीक है, यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं इधर के पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम इरेज कर दिए, अब इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का माइनस रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन, वन से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा एक्स माइनस वन, और ये हो गया प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बटा अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से लेट करते हैं, लेट 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा a इंटू डी सी ऑफ 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया। अब देखिए इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर a इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 7 कॉन्स्टेंट है शून्य हो गया 6x का 6 और ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर, तो 2 नीचे गया 3 टू जो 6x हो जाएगा ना 6x हो गया और ये हो गया प्लस बी, इसको इक्वेशन हम 2 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे की तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो देखिए ए और बी का वैल्यू क्या आता है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से हो गया माइनस, यहाँ देखिए फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6ax प्लस, यहाँ हो गया केवल बी क्योंकि ब्रैकेट तो हम मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट को हटा दिए, प्लस बी है तो प्लस बी हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स
यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर माइनस 6ax प्लस 6a प्लस बी। अब करेंगे क्या, यहाँ x के घात के कोफिशियंट जो होता है, x के कोफिशियंट के घात को हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का कोफिशियंट माइनस 6 है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का 2 इक्वल टू माइनस 6 है, तो इसलिए a का वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 2 बटा 6 माइनस 2 बटा 6 हो गया, तो 2 3 या 6 यानी कि माइनस 1 बटा 3 आ गया a का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू अगर निकाल दे तो आ जाएगा 6a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ क्या है 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ a का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं उसके बाद आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो देखिए हो जाएगा 6, a का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स a का वैल्यू है माइनस 1 बटा 3, तो हो गया माइनस 1 बाई 3 प्लस बी इक्वल टू 1। देखिए कैंसिल हो जाएगा 3 2 या 6, तो देखिए हो जाएगा माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए b बराबर 1, ये माइनस 2 है तो इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू माइनस 1 बाई 3 आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से आगे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1 फ्रेंड्स हम लोग का दिया हुआ है, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 से चलते हैं। तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बटा अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx, ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या है, a इंटू 6 माइनस 6x प्लस बी बटा अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 3, तो देखिए हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 इंटू 6 माइनस 6x प्लस बी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दिए बट अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करते क्या है कि कुछ पार्ट्स को अब हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम ये वाले पार्ट्स को, इधर के पार्ट्स को इरेज कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ डिवाइड करेंगे इससे दोनों में, इस वाले पार्ट्स में और इस वाले पार्ट्स में, देखिए यहाँ माइनस 1 बाई 3 जो है कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6 माइनस 6x बटा अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ 3 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करते क्या है कि अब हम लोग यहाँ अगर लेट करेंगे, चलिए लेट कर देते हैं, लेट वाई बराबर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, इसका जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट है सुनिए होगा 6x का 6 हो गया माइनस 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x हो गया, तो इसलिए dy का वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 6 माइनस 6x या dx डिवाइड है इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलते हैं इसको इक्वेशन हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 3 से चलते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स दिया हुआ है माइनस 1 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 6 माइनस 6x यहाँ dx छूट गया इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या आया हुआ है dy आया हुआ है, तो रख देते हैं dy बट रूट यहाँ 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, इसको क्या मैंने y, तो रूट वाई प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करते क्या है, यहाँ से हम लोग पहले माइनस 3 यहाँ से कॉमन करेंगे, तो देखिए आ जाएगा अंडर रूट माइनस 3 जब कॉमन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आ जाएगा हम लोगों के पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बटा 3, ठीक है, ये आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बटा 3 और ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 इंटू, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट वाई, तो देखिए हो गया 2 रूट वाई, आपको बता भी दिए हैं, अब कितना बताएं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 रूट वाई प्लस, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का हो जाएगा जो रूट 3 है इसको हम बाहर कर लिए और यहाँ पे माइनस को साथ में रखते हैं, ठीक है, और ये देखिए माइनस बाहर नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बनता है, ठीक है, इसलिए माइनस को बाहर नहीं करेंगे, आप 11th में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 बटा 3 इंटू डी एक्स, ये हो गया।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसको और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस टू बटा थ्री रूट वाई। तो देखिए वाई का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो देखिए हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस टू बाई थ्री रूट वाई का वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है प्लस ये देखिए थ्री बटा रूट थ्री, रूट थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया, यानी कि थ्री बटा रूट थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवन बाई थ्री इंटू डी एक्स। ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोट करते होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए हो जाएगा माइनस टू बटा थ्री इंटू अंडर रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए रूट थ्री से कैंसिल करेंगे थ्री को तो ये रूट थ्री मरतबा में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ रूट थ्री आ गया, तो रूट थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस, ये देखिए फॉर्मूला पे इसको लाते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक जगह पे एक्स बी के जगह पे वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे वन का स्क्वायर और ये माइनस सेवन बाई थ्री ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं और आगे, तो देखिए हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस टू बाई थ्री इंटू अंडर रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस, ये देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे एक्स है बी के जगह पे वन यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस वन और माइनस सेवन बटा थ्री और ये हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स और आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोगों के पास माइनस टू बटा थ्री अंडर रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और फ्रेंड्स जब माइनस वन और माइनस सेवन बाई थ्री को जोड़िएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हम लोग के पास टेन बाई थ्री। ठीक है, माइनस टेन बाई थ्री आ जाएगा और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं तो देखिए हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट माइनस, ये देखिए हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टेन बाई थ्री को लिख सकते हैं रूट टेन बटा रूट थ्री का स्क्वायर ये लिख सकते हैं और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो हो जाएगा माइनस टू बटा थ्री इंटू अंडर रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा अंडर रूट, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टेन बाई थ्री, रूट टेन बटा रूट थ्री जो है पहले आ जाएगा, रूट टेन बटा रूट थ्री का स्क्वायर पहले आ गया माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर पहले बाद में चला गया और ये इंटू डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और आगे चलते हैं तो देखिए हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज कर देते हैं तो देखिए आ गया फ्रेंड्स हम लोगों का माइनस टू बटा थ्री इंटू अंडर रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया और ये हो गया फ्रेंड्स प्लस रूट थ्री इंटू, आपको फॉर्मूला मालूम है डी एक्स बटा अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, तो हो जाएगा फ्रेंड्स रूट थ्री इंटू साइन इनवर्स, ये रूट थ्री दिया हुआ है फॉर्मूला मैंने, ठीक है, अब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स का पे एक्स माइनस वन एक जगह पे रूट टेन बटा रूट थ्री, तो एक्स माइनस वन बटा रूट टेन बटा रूट थ्री और ये हो गया प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स और आगे की तरफ तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों के पास आ जाएगा माइनस टू बटा थ्री रूट सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू साइन इनवर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो रूट थ्री है फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये वाला रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन बटा रूट टेन प्लस सी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।